वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तिस पैराडाइज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए आज का हमारा जो मेन्यू बहुत सारे कुकिंग का जो वीडियो आज दे रही हूँ तो आप लोग देखिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। तो चलिए आज दिखाते हैं क्या मैं वीडियो में लेकर आई हूँ, क्या क्या खाना जो पकवान बने हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स वॉच। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला रेसिपी है। हम दो रेसिपी आज दे रहे हैं। ये हुआ चिकन मंचूरियन। हम कैसे बनाते हैं आपको आगे जाकर बताएंगे। आप अच्छी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, पहले हम 500 ग्राम चिकन लिए हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाले हैं। उसके बाद एक एग ले रहे हैं। उसके बाद 3 से 4 स्पून आप कॉर्नफ्लोर ले जाइए और अच्छी तरह इसको कोटेड करके मिक्स कर लीजिएगा। आप इसमें पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, सोया सॉस भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह प्लेन बनाया है। फिर उसके बाद देखिए, ऑयल गर्म हो जाने के बाद एक स्पून की मदद से हम चिकन को, जो चिकन हम बैटर में डाले थे वो चिकन को हम इसमें फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह पक जाने तक हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। आप लोगों को तो मालूम ही होगा मैं किस तरह बना रही हूँ, किस प्रोसेस में कर रही हूँ। आप लोग देखते रहिएगा, आपको शायद इजी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी तरह बता पा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में बिल्कुल गड़बड़ी ना हो। फिर देखिए, एक कैरेट को हम चीरा लगाया है, देखिए लाइन लाइन करके किस तरह की हूँ मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद हम कैरेट को इस तरह स्लाइस में कट कर लेंगे, ताकि ये हमको दिखे फ्लावर की तरह। अच्छा लगता है जब हम इस तरह बनाते हैं। देखिएगा, मैं दिखा रही हूँ नज़दीक से ये किस तरह दिख रही है। फिर देखिए, चिकन में पहला जो फ्राई किया था निकाल दी हूँ और दूसरी बार भी डाली हूँ। और हम क्या क्या यूज करेंगे मंचूरियन में, चिकन मंचूरियन में, देखिए कॉर्नस्टार्च, विनेगर, सोया सॉस, कैरेट, ये ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, कैप्सिकम, ये लहसुन का छोटा छोटा कट करके रखे हैं, और कोरिएंडर लीफ, धनिया का पत्ता जो। फिर एक पैन में हम लिए हैं ऑयल, उसमें हम डाले हैं, पहले डाल दीजिएगा लहसुन को, छोटा जो बारीक कटा हुआ लहसुन को डालिए। वो अच्छी तरह भून जाने के बाद आप प्याज ऐड कीजिए, उसके बाद ग्रीन चिल्ली और कैप्सिकम, और जो हम कट करके रखे हैं, देखिए ग्रीन चिल्ली अभी डाल रही हूँ, कैप्सिकम भी डाली हूँ, और जो कैरेट हम कट करके रखे थे वो भी डाल देंगे। तो ताकि ये बहुत अच्छा नज़ारा आ जाए हमारे सब जो पकवान में। फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप अजीनोमोटो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पेपर पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, तो ये अच्छा फ्लेवर लेकर आ जाएगा। चिल्ली पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स भी, ऑरेगानो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा विनेगर ऐड की हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा सोया सॉस ले रहे हैं, और हम यहाँ पर कॉर्न स्टार्च भी यूज किए हैं, जो कि हम वीडियो क्लिप लेना भूल गए हैं। और अभी देखिए, चिकन, फ्राइड चिकन को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, अच्छी तरह हम उलट पुलट करके फ्राई कर लेंगे, ताकि जो हमारा ग्रेवी चिकन में कोट हो जाए। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। यदि कुछ आपको कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये हुआ हमारा चिकन मसाला, जो हम प्लेन ग्रेवी बनाते हैं। हमारी बेटी ये बना रही है इंडक्शन में, किस तरह बना रही है तो हम दिखाते हैं आगे चल के। आप बिल्कुल स्किप मत करिए और देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये पूरा घरेलू जो हम बनाते हैं आपको इजी होगा, इसीलिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखिए, एक पैन हम इंडक्शन कुकर में रखे हैं, इंडक्शन चूल्हा में। और उसके बाद देखिए, ये जो हम बनाए हैं बैटर, इसमें चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, ये ही लिए है बस, और हल्दी। उसके बाद ये टोमेटो कट करके रखे हैं, और अभी इंडक्शन ऑन हो गया,
तो फिर देखिए प्याज भी कट करके रखे हैं। तो इंडक्शन ये 160 टेम्परेचर में हम दिए हैं हॉटपॉट मोड पर। और उसके बाद देखिए ऑयल दे रही है बेटी, उसके बाद जीरा और मस्टर्ड भी यूज किया गया है। इसमें आप सौंफ मेथी दाना भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा डालकर एक स्पून के करीब डालकर हम भून रहे हैं। उसके बाद जो अनियन कट करके रखे थे, 2-3 बड़े बड़े प्याज को कट करके रखा है और उसको हम भून रहे हैं। देखिए बेटी बना रही है, ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये पूरा बेटी का, मेरे श्यामा का रेसिपी है। और प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। देखिए भून रही है, उसके बाद टोमेटोज ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह भून जाने के बाद हम इसमें चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन है, हम ऐड कर रहे हैं। मैरिनेटेड चिकन में दही और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, ये डाला गया है। फिर उसको ऐड करने के बाद, थोड़ा भून जाने के बाद, इसमें हम नमक और देखिए रेड चिली पाउडर ऐड किया गया है। अभी चिकन मसाला ऐड करा जा रहा है। ये हम बादशाह का ले रहे हैं चिकन मसाला, आप कुछ भी एवरेस्ट का ले सकते हैं, मदर रेसिपी का ले सकते हैं। फिर गरम मसाला ऐड किया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आपको पसंद आ रहा है, मैं और नया नया तरीके से मेरे जो रेसिपीज आपके सामने लेकर आऊँगी। फिर देखिए थोड़ा सा नमक भी डाला जा रहा है, क्योंकि ग्रेवी में भी नमक जाएगा। और हल्दी पाउडर भी ऐड किया गया है। पहले से भी हम मैरिनेटेड चिकन में भी डाले थे नमक और हल्दी, तो आप स्वाद अनुसार डालिएगा। तो हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है। उसको ढक्कन देकर थोड़े मिनट के लिए, जो टाइम सेटिंग किया गया है, उसी हिसाब से पानी हाफ कप डालें और ढक्कन जो लीड डाल देंगे। फिर थोड़े जो टाइम दिया गया था, शायद 15 मिनट से ऐसा कुछ दिया गया था, तो पक चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरी बेटी आपको ऊपर उठा कर भी दिखाएगी, क्योंकि उनको बहुत प्राउड भी फील हो रहा है। देखिए बच्चे कितना खुश है। आज का हमारा जो कुकिंग रेसिपी आपको कैसा लगा बताइए। थोड़ा सा इतना सा अभी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं क्या करूं, ताकि हम और अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों के पास लेकर आ पाए। तो उसी हिसाब से कुछ सजेशन मुझे चाहिए होता है, क्योंकि देखिए कुछ भी आगे बढ़ने के लिए जो आपके अंदर कमियां हैं, वो कमियों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा, लेकिन जितना मेरे दिमाग में होता है मैं उसी हिसाब से आप लोगों के पास वीडियो लेकर आती हूँ। तो आपका जो सजेशन, आपका जो कमेंट मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैं बहुत ईगरली आपका कमेंट को वेट करती हूँ। कोई भी मुझे कमेंट करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ रहती हूँ, मुझे विदा दे दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे सेफ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।